देश में राजशाही भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन आज भी राजघराने से जुड़े लोग जनता के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। महलों में रहने वाले लोग जब भी चिलचिलाती धूप में वोट मांगने निकलते हैं तो इन्हें देखने वालों की भीड़ भी उमड़ पड़ती है। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों राजस्थान के राजसमंद जिले की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। इस बार राजसमंद सीट से बीजेपी ने जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिया कुमारी चिलचिलाती धूप में बैलगाड़ी पर बैठकर राजसमंद की सड़कों पर निकलती है तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। 2014 में कहते थे कि मोदी लहर है, इस बार लग रहा है मोदी जी की आंधी चल रही है, तो इस आंधी में हमको भी हमारी जरूर उसमें योगदान देना है। दोगे कि नहीं? 29 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि सब लोग जाओ, पूरी तरह से सब महिलाओं को तो बिल्कुल जाना है, क्योंकि आप, मैं भी महिला कैंडिडेट हूँ, क्योंकि अब अगर आप, मैं जीतूंगी तो आपके सारे काम होंगे, आप मुझे सीधा कुछ काम भी बता सकते हो और किसी को तो आप बता भी नहीं सकते, है ना। आप सबको घर का काम छोड़ के रोटी बांटने बनाने पहले जाके वोट करो कमल के पर। चुनाव प्रचार करते हुए दिया रास्ते में कई जगह पर रुक जाती है, कभी लोगों से मुलाकात करती है तो कभी हलवाई की दुकान पर पहुंचकर पकौड़े तलने लगती है। कहती है, राजकुमारी हूँ तो क्या हुआ, जब हमारे प्रधानमंत्री चाय बेच सकते हैं तो भला मैं पकौड़े क्यों नहीं तल सकती हूँ। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए, एक वोटर के घर पर राजकुमारी कितनी सादगी से बैठकर खाना खा रही है, और खाए भी क्यों ना, प्रिंसेस का यही स्टाइल तो उन्हें सुर्खियां दिलवाता है। 44 साल की दिया कुमारी जयपुर से दूर उदयपुर संभाग के मेवाड़ के आदिवासी इलाकों से जब गुजरती है तो इन्हें देखने वालों की भीड़ सी लग जाती है। राजसमंद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया सिंह, गांव-गांव यहां पर वोट मांग रही हैं। दिया जी, वही सवाल जो आप लोगों को समझा रही हैं कि राजमहल छोड़कर राजकुमारी क्यों आई जनता के बीच। अब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं शरद जी, 5 साल सवाई माधोपुर में काम किया है, तो मैं राजमहल तो पहले ही छोड़ चुकी थी, और उससे पहले भी मैं सोशल वर्क से जुड़ी भी थी, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मेरी फैमिली चलाती है, मैंने भी शुरू की जयपुर में, उनसे भी जुड़ी हुई थी, वैसे ही जनता से कॉन्टेक्ट तो बहुत अच्छा था। फिर सवाई माधोपुर में 5 साल रही विधायक के तौर पे, और अब मैं यहाँ पर हूँ प्रत्याशी लोकसभा के लिए। मुझे आदत पड़ गई है एक्चुअली, अब ये 5 साल सवाई माधोपुर में जब मैं रही तो जनता के बीच रहना एक आदत बन गई है। और इनका कुछ भी क्या है कि हम लोग के पास तो सब कुछ है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको, जिनके लिए एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी चीज होती है, वो अगर आप उनके लिए कर देते हैं ना तो जो खुशी मिलती है वो करने के बाद, वो सैटिस्फेक्शन जो मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता। दिया कुमारी का भाषण सुनने के लिए सबसे ज्यादा महिला ही उत्सुक नजर आती है। दरअसल इन्होंने किस्से कहानियों में ही राजा रानी और राजकुमारियों के बारे में सुना है, लेकिन जब दरवाजे पर खुद राजकुमारी दस्तक दे रही हो तो भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। एक राजकुमारी के प्रति लोगों में आकर्षण है, उस आकर्षण का लाभ यहाँ मिलता है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि आकर्षण है या नहीं है। आप लोग बताइए, राजकुमारी के प्रति है कि नहीं आकर्षण है, सब लोग कह रहे हैं। मुझे नहीं है ना, देखो नॉर्मल कैंडिडेट है, ऐसा कुछ नहीं है, और बिल्कुल हमसे घुल मिल गए। देखिए, मेरे प्रति आकर्षण का तो पता नहीं, पर मोदी जी के प्रति बहुत उत्साह है लोगों में। ये आकर्षण है दिया कुमारी के प्रति लोगों में, जब जाती हैं तो लोगों के बीच रहकर उनके साथ वो काम करना शुरू कर देती हैं, और यही उनका एक सरल स्वभाव है जिसकी वजह से लोगों में बेहद कम समय में राजसमंद में लोकप्रिय हो गई है। कोई राजकुमारी को गुड़ खिलाकर उनका स्वागत करता है तो कोई चंदन का टीका लगाकर अभिवादन करता है। लोग तो इस बात से ही खुश है कि चुनावी बहाने से ही सही, लेकिन राजा रानी और राजकुमारियों के दर्शन तो हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।